जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्र में। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार पधार रहे हो तो आप ही का अपना YouTube चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों शिक्षा, रोजगार, आंगनबाड़ी, आशा बहनों से संबंधित भारत के किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र की मतलब कोई भी आदेश जारी होता है, या फिर आपका स्मार्टफोन योजना, या फिर आपका मानदेय बढ़ोतरी या बढ़ाओ मानदेय कब तक आ जाएगा, या सेवानिवृत्ति पर मिलने वाला लाभ, या बहनों के लिए कोई भी अगर नया आदेश जारी होता है, या फिर कोई भी अगर फीडिंग से संबंधित कोई भी खबर होती है, कोई भी अगर दिक्कत होती है, तो आप हमारे को कॉमेंट करके भी पूछ सकते हो। और कोई भी डाउट, छोटा से छोटा अगर डाउट है, तो आप कमेंट करने में झिझक नहीं रखें। तो आपको आज हो गई 14 मई 2019, आज की मुख्य मुख्य खबरें हम इस वीडियो में जानने वाले हो, तो वीडियो को लास्ट तक प्लीज जरूर देखिएगा। पहले मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में उद्घाटन के 3 साल भी नहीं बिजली की सुविधा। तो देख सकते हो आप, गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम फसोद में 3 साल पहले बने मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में आज तक बिजली नहीं पहुंची। अफसरों ने सिर्फ भवन का उद्घाटन करवा दिया और सुविधा देना भूल गए। केंद्र में बिजली बोर्ड में पंखा भी लगाया गया, लेकिन कनेक्शन ही नहीं होने के आज तक बिजली पंखा चालू नहीं हुए। इससे भीषण गर्मी में नौनिहालों का बुरा हाल हो रहा है। इस बदहाली के कारण केंद्र में बच्चों की भी संख्या कम हो गई है। इससे उद्घाटन के समय अफसरों ने भी राज्य का पहला मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बताया था, लेकिन उसी की वेहली आज व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। 3 साल पहले 2015-16 में तत्कालीन सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बलोद में एक कार्यक्रम से ही इस मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया था। बिना पंखे के यहाँ आने वाले बच्चे उमस और पसीने से बेहाल हो रहे हैं। कई पालक तो बिना पंखे के कारण बच्चों को आंगनबाड़ी भेजने से भी कतरा रहे हैं। जाने कौन क्या कह रहा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की उमेर श्री साहू ने कहा कि और से 2 बिजली खंभा लगाने हुए बिजली कनेक्शन का काम पूरा करने के लिए पंचायत परियोजना कार्यालय को पत्र भी लिख चुके हैं, और लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। बिजली सप्लाई का काम पंचायत की जिम्मे। परियोजना अधिकारी क्लियर नाग ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली सप्लाई का काम पंचायत का होगा और इससे पंचायत को ध्यान देना चाहिए। विभाग की ओर से वहाँ लाइट पंखे लगे हुए होने चाहिए, और कनेक्शन के लिए हमने भी बिजली पंखे बिजली कंपनी को चिट्ठी भी दे दी है। पंचायत फंड से जल्दी कनेक्शन लगवाए जाएंगे। सचिव मोरिस धवज सिन्हा ने कहा कि पंचायत फंड से जल्द ही उक्त आंगनबाड़ी में बिजली सप्लाई के लिए अस्थायी कनेक्शन दिया जाएगा, ताकि बच्चों को गर्मी से राहत मिल सके। अस्थायी कनेक्शन के लिए खंभा लगाने जनपद पंचायत और बिजली विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। बिना बिजली पंखे के इस गर्मी में बैठने आंगनबाड़ी बच्चे, अस्थायी कनेक्शन लगने की बात बोली गई है। शहर के 500 से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकान में चल रहे हैं, जिनका किराया कई महीने से नहीं मिला है। और हाल ही में शहर में बूढ़ापारा के आंगनबाड़ी में किराया नहीं देने मकान मालिक ने केंद्र का ताला जड़ दिया, और वहीं कार्यकर्ता विभाग की उदासीनता के चलते हुए मानदेय से हर महीने 2000 रुपये किराया चुका रही थी। इस लापरवाही के सामने आने के बाद कलेक्टर राहुल साहूर्त ने विभाग के अफसरों को चेतावनी भी दी है कि मामले को तत्काल सुलझाए, और जिससे केंद्रों का किराया बकाया है उन्हें तत्काल जारी भी करें, और फंड की क्या व्यवस्था उसकी रिपोर्ट भी मांगी है। अगर कहीं दिक्कत है तो उसे दूर कर आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। कलेक्टर रानू साहू ने कहा कि भास्कर के जरिए मामला सामने आने के बाद इस एक्शन लिया जा रहा है, और पेपरबाजी क्यों करती हो। इधर परियोजना अधिकारी पोल खोलने पर कार्यकर्ता पर भड़की, कहने लगी चुपचाप नौकरी करो, पेपरबाजी क्यों करती हो। आंगनबाड़ी केंद्र में बदहाली सामने आने के बाद बालोद में एक महिला परियोजना अधिकारी कार्यकर्ता पर बरस पड़ी, और उन्होंने कार्यकर्ता को फ़ोन कर दिया, और उन्हें सिर्फ तुम्हारे केंद्र का किराया बाकी नहीं है और भी बहुत ज़्यादा है, पेपरबाजी तुम मत करो, समस्या रखना गलत है क्या। तो देख सकते हो, बहन अगर समस्या रखती है तो उस पर भी अफसर उन पर डांट मारते हैं। कार्यकर्ता प्रेमलता साहू ने कहा कि केंद्र बंद न हो जाए इस डर से वेतन से किराया दे रही थी, विभाग वाले सिर्फ आश्वासन दे रहे थे, 10 साल बाद भी भवन नहीं बना, अब जब किराया नहीं दे पा रही तो मकान मालिक का ताला लगा दिया, बच्चों को हमें धूप में बैठाना पड़ रहा है, अपनी समस्या रखती हूँ तो अधिकारी मुझे गलत ठहराते हैं। संस्था मतदान जागरूकता के लिए पेंशनर संघ ने ली मतदान की शपथ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बनाई मानव श्रृंखला।
देख सकते हो। सेंधवा की न्यूज है, लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए पहाड़ी अंचल में गाँव में लोगों को जागरूक किया जा रहा है और समाज और संगठन भी प्रयास कर रहे हैं। पेंशनर संगठन की तहसील इकाई की बैठक में पेंशनर अनिवार्य रूप से मतदान करने की शपथ ली और साथियों से भी मतदान करने की अपील भी की गई। इस दौरान तहसील शाखा अध्यक्ष किरण कुमार सोनी, भरतदेव जोशी, सुदामा तिवारी, राम ठाकुर आदि वहाँ पे मौजूद भी थे। वड़ला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने रैली, शपथ और मानव श्रृंखला बनाकर मतदान का संदेश दिया। महिला बाल विकास अधिकारी अनिता बामणिया, प्रेक्षक सुनीता बावेल, गीता डावर आदि वहां पे मौजूद भी थी। मातृत्व वंदना योजना हनुमानगढ़ जिला प्रदेश में पहले स्थान पर, अब तक 9 करोड़ रुपये तक का भुगतान। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में हनुमानगढ़ जिला प्रदेश में अव्वल आया है, जबकि निकटवर्ती श्रीगंगानगर को 9वां स्थान व झालावाड़ जिला दूसरे स्थान पर रहा है और दरअसल जिले को दिए गए एक लक्ष्य के अनुरूप महिला एवं बाल विकास विभाग ने यह कार्य करने का हनुमानगढ़ को पायदान हासिल हुआ। योजना के तहत 1.5 साल की अवधि में हनुमानगढ़ जिले में 23,149 गर्भवती महिलाओं को लाभ पहुंचा है। खास तौर पर अब तक महिला योजना के तहत लाभान्वित को 8,92,63,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जो अन्य जिलों से सबसे अधिक है। उपनिदेशक प्रवेश सोलंकी ने बताया कि विभाग की जो टारगेट मिले उस पर विभाग खरा उतरा और यह टीम पूरी मेहनत की है, इसी भविष्य में इसी तरह मेंटेन रखा जाएगा। पहली बार गर्भवती महिला को मिलते हैं 5,000 की राशि। घर घर सर्वे सहित कई कदम उठाने पर पूरे हुए जिले के टारगेट। घर घर जाकर योजना के फायदे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकों को लाभान्वित, परिवार जनों को घर घर जाकर योजना के बारे में बताने यानी गृह विजिट करना। पहले ये था कि पात्र लाभार्थी आंगनबाड़ी केंद्र आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं योजना का लाभ दिलाने के लिए उद्देश्यों को खुद कार्यकर्ता सहायिका द्वारा घर पर पहुंचकर बनाई गई। जिले के प्रत्येक आंगनबाड़ी स्तर पर सर्वे कर पात्र लाभार्थियों को चिन्हित किया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हिसाब से जो गर्भवती महिलाएं पात्र हैं उनको लोकल स्तर पर सर्वे भी किया जाएगा। न्याय आपके द्वार शिविरों से प्रचार किया गया और मॉनिटरिंग के लिए जिला और लोकल स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया और लोकल स्तर पर जिला स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जिसे प्रतिदिन मॉनिटरिंग की गई है और महिला प्रयोगों को अन्य कर्मचारियों से प्रतिदिन रिपोर्ट मांगी जा रही है। यह है मातृत्व वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत पहली बार गर्भवती महिला को 5,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। इसके लिए महिला को आंगनबाड़ी स्तर पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसके लिए ममता कार्ड जरूरी है, वहीं पति पत्नी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक भी अनिवार्य है। आंगनबाड़ी मुलाजिमों ने लगाया DSP दफ्तर के सामने धरना। तो आप देख सकते हो बहनें, जो पंजाब की बहनें हैं जो आंगनबाड़ी, वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। जो 40% जो बढ़ा हुआ मानदेय है वो सरकार ने देने से मना कर दिया राज्य सरकार, जबकि 60% जो हिस्सा होता है वो केंद्र सरकार देती है। गत दिनों रामपुर कोठे छाजली इलाके में एक आंगनबाड़ी वर्कर ने घरेलू झगड़ा की शिकायत के पर्चे में पुलिस मुलाजिम द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर को जबरदस्त गाड़ी में बैठाने मामले में सोमवार को आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन पंजाब द्वारा DSP के दफ्तर पर समक्ष रोष प्रदर्शन लगाया और आंगनबाड़ी वर्कर ने पुलिस प्रशासन के महिला आंगनबाड़ी वर्कर को यह धक्केशाही करने वाले SI के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड करने की मांग की। साथ ही ऐलान किया कि यदि पुलिस ने जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की तो संघर्ष तेज हो जाएगा। आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन शीटू के राष्ट्रीय प्रधान उषा रानी ने कहा कि रामपुर कोटे साजली की सर्वजीत और आंगनबाड़ी वर्कर के तौर पर कार्य करती इसकी अपनी सास सुगुरजीत कौर के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। 8 मई को पुलिस थाना साजले में SI उसके घर आया और उसे धमकाने लगा, गाली गलौज करके उसे पति अपनदीप को पुलिस के घसीट कर उसे आंगनबाड़ी सेंटर ले गए और सरोजीत उस पर आंगनबाड़ी सेंटर की ड्यूटी पर हाजिरी हुई थी। उसके साथ पुलिस की गाली गलौज की उस उक्त SI को आंगनबाड़ी वर्कर को धक्के मारकर गाड़ी के पास ले जाया गया, जबकि उसके साथ कोई लेडी कॉन्स्टेबल भी नहीं थी। गांव निवासियों ने उसके काफ़ी मिन्नतें की लेकिन किसी भी ने सुनी और धक्के गाड़ी में बिठाकर थाने ले गया और उसके बाद मांग की कानून की धज्जियां उड़ाने हुए SI ने सस्पेंड करके उसके खिलाफ बनती कार्रवाई की जाए। तो देख सकते हो निरीक्षण में बंद मिले शाहपुरा के 2 व पहाड़ी के 1 आंगनबाड़ी केंद्र। अभियान के तहत प्रदस्तावित स्वस्थ भारत प्रेरक व जिला समन्वय की गठित टीम में सोमवार को चैनपुर प्रखंड में कई आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में शाहपुर के 3 नंबर केंद्र बंद पाए गए और शाहपुर 4 केंद्र निर्धारित मानक स्तर पर न्यूनतम संचालन पाया गया और शहरी क्षेत्र में पहाड़ी वन केंद्र जाँच में बंद पाया गया। तो अब देख सकते हो जानकारी के अनुसार DC ने निर्देश के आलोक में अब तक जिले में 30 आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया चुका है और जांच के क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों में मिल रही सुविधाओं को गुणवत्ता में सेवा की विशेष ध्यान दिया जाने बताया जाता है कि मेदिनीनगर
शहरी परियोजना अंतर्गत कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारित संरचना जर्जर हालत में पाए गए और कई केंद्र अपेक्षा से कम जगह में संचालित हो रहे थे, जो कि वर्तमान में प्रशासन स्तर के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए दिए जाने वाले किराए के लिए अनुरूप नहीं थे। टीम में लेस्लीगंज प्रखंड में कुछ एक आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इसमें पाया गया कि पोषक क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बच्चों का वजन व वृद्धि की निगरानी सही रूप से नहीं की जा रही थी। आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए खिलौने के लिए योजना बनाए। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए जन सहयोग में खिलौने एकत्रित कर उपलब्ध कराए जाए, जिसके लिए लोगों को प्रेरित कर नवाचार के रूप में स्लोगन थीम सहित कार्य योजना बनाने के निर्देश भी महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने दी है। और समय समय में बैठक कर कलेक्टर फरार डॉक्टर पंकज जैन ने इसी प्रकार का अभियान आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने के लिए भी कभी चलाने का निर्देश दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने स्मार्टफोन दिए जाने का जताया विरोध। आंगनबाड़ी सेविका मिनी कार्यकर्ता संगठन द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए जाने का विरोध किया गया और संगठन ने पंचायत के कामों का भी बहिष्कार करने की चेतावनी दी। साथ ही आचार संहिता खत्म होते ही 25 मई को सीएम आवास घेराव करने की भी चेतावनी दी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई मानदेय नहीं दिया जाता, उन पंचायत होने वाले कार्य के भी नहीं जाएंगे और कहा कि जल समस्या का हल नहीं होने पर आचार संहिता खत्म होते हैं। 25 मई को सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यत्री मुख्यमंत्री आवास को कूच करेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों को बांटे गणवेश। पिथौरागढ़ की न्यूज है, शिमाली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजू मेहता ने अपने संसाधनों को केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को ड्रेस बांटे। लोगों को कार्यकर्ताओं ने प्रयासों से सराहना भी की। गुरुवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने मंजू मेहता ने 12 बच्चों को गणवेश भी बांटे गए। तो आपने देखा, ये थी आज की मुख्य मुख्य खबरें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है कॉमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हो। बाकी जो भी हमारे पास वहाँ कर अपडेट आता है तो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर के हाजिर होंगे। आंगनबाड़ी आशा बहनों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवाहर।